हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास एट्थ साइंस का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सेल। आज हम सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स डिस्कस करेंगे और उनके फंक्शंस भी जो है वो डिस्कस करेंगे साथ के साथ। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, जो किसी भी सेल का आउटर पार्ट होता है, सबसे बाहर वाले पार्ट को हम उसकी सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। द बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। किसी भी सेल का जो बेसिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो उसकी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं। द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारे साइटोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियस होता है, ये दोनों जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल फ्रॉम वन अनदर एंड आल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है, साथ के साथ सेल मेम्ब्रेन सेल के कॉम्पोनेंट्स को सराउंडिंग से भी अलग करती है। जैसे सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये हमारा उसके आसपास जो है वो एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये सारे लिक्विड एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली के अंदर बंद होती है जिसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये बेसिकली अब हमारा एक सेल है जिसका ये वाला पार्ट जो है ये मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और इसको जो अंदर लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसका काम है कि उसको एक सेल को दूसरे सेल से अलग रखना, साथ के साथ जो उसके अंदर वाले पार्ट्स हैं जैसे कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इसको सराउंडिंग से अलग करना। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर जितना भी पार्ट है इसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो स्किन है वो सेल मेम्ब्रेन है। तो स्किन का काम क्या है? स्किन जो है वो हमारे अंदर का जो ब्लड है उसको बाहर नहीं आने देती, सराउंडिंग में नहीं आने देती, एनवायरमेंट में नहीं आने देती। तो सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक काम होता है वो होता है सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनको सराउंडिंग से अलग करके रखती है, उनको सराउंडिंग के साथ मिलने नहीं देती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, पोरस का मतलब होता है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके कारण मेम्ब्रेन के अंदर की चीज़ें बाहर भी आ सकती हैं और बाहर की चीज़ें अंदर भी आ सकती हैं। बेसिकली ये मेम्ब्रेन जो होती हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि ये डेड नहीं होती, इनमें दिमाग होता है, इनमें लाइफ होता है, इस मेम्ब्रेन के अंदर लाइफ होती है, इनके पास खुद का दिमाग होता है जिसके कारण ये डिसाइड कर पाती हैं कि किस चीज़ को अंदर लेके जाना और किस चीज़ को बाहर लेके जाना है। जब तक मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगी तब तक कोई भी चीज़ जो है वो ना बाहर से अंदर जाएगी और ना ही अंदर से बाहर आएगी। अगर कोई भी चीज़ स्किन से बॉडी सेल से बाहर निकलनी है या सेल के अंदर आनी है तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसको कंट्रोल करती है। सेल मेम्ब्रेन सारी मूवमेंट को कंट्रोल करेगी कि किस मटेरियल को सेल के अंदर जाना और किस मटेरियल को सेल के बाहर आना है। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8.3। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल टेक द अनियन बल्ब। हमें देखना है कि सेल के अंदर क्या क्या होता है तो हम क्या करेंगे, एक प्याज लेंगे, उसकी जो ड्राई लेयर होगी, ड्राई स्किन होगी पिंक कलर की, उसको जो है वो हमें रिमूव कर देना। हम इसे आसानी से जो है वो रिमूव कर सकते हैं, अपने हाथ से भी इसको आसानी से जो है वो अलग कर सकते हैं। उसके बाद अनियन के जब पील्स उतारे तो उसमें एक वाइट कलर की पतली सी लेयर होती है, आपको उस लेयर को निकालना है और उसको जो है वो ग्लास स्लाइड पे रखना है, जो कि माइक्रोस्कोप के माइक्रोस्कोप के अंदर एक ग्लास स्लाइड होती है उसके ऊपर उसको रखना है। उसके नीचे पहले एक पानी की बूंद डालेंगे, फिर उसके ऊपर जो है हम अनियन पील को रख देंगे, फिर उसके ऊपर हमने कुछ ड्रॉप, एक ड्रॉप जो है वो मिथाइल ब्लू सोल्यूशन की ऐड कर देनी है, और फिर उसके ऊपर एक दूसरी ग्लास स्लाइड रख देनी है, और ध्यान रखना है कि उसके बीच में कोई भी एयर बल्ब ना बने, और फिर उसको जो है हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। जो भी हमें दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा अनियन पील का, जो है जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें ऐसी नज़र आएगी।
इसमें जो ये बीच में जो सेंटर वाला पार्ट है ये हमारा न्यूक्लियस होगा। ये सारे न्यूक्लियस हैं, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये सारे उसके अंदर अलग अलग सेल्स हैं, और हर सेल के अंदर जो है आप देख रहे हो कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये जितने भी आपको यहाँ पे गोले नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे न्यूक्लियस हैं, इतने ही यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होंगे, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इसके अलावा जो इसके बीच में ये ब्लैंक सब्सटेंस है, इसमें इसमें आपको जो है वो एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस दिखाई देगा जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जो बाहर वाली बाउंड्रीज है, ये वाली जो बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, इस बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो इससे हमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आसानी से नज़र आ जाएंगे उसके अंदर। द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन, जो उसकी कब बाउंड्रीज है, ये वाली बाउंड्रीज, ये जो है ये जो बाउंड्रीज है ये उसकी सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। कवर्ड बाय द अनदर थिक थिक कवरिंग कॉल द सेल वॉल, इसके ऊपर जो है वो सेल वॉल होती है जो कि पिंक कलर की होती है। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, इसके अलावा जो ये सेंटर ये राउंड बॉडी है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। द जेली लाइक सब्सटेंस, जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ये आपको डेफिनेशन भी आती होती है कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक लिक्विड है जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होती है, उसी को हम सेल मेम्ब्रेन सॉरी साइटोप्लाज्म बोलते हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल नीड द सेल वॉल्स, सेल वॉल मैंने कल भी आपको बताया था कि सेल वॉल्स जो है वो प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, इसीलिए जो है वो प्लांट्स को सेल वॉल की रिक्वायरमेंट होती है। यू हैव लर्नड अर्लियर डैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स द शेप टू द सेल, हमने ये पढ़ चुका है कि जो किसी भी सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन ही किसी भी सेल को जो है वो शेप प्रोवाइड करती है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज अनदर आउटर थिक लेयर इन द सेल ऑफ द प्लांट्स कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, इसके सेल मेम्ब्रेन के अलावा प्लांट्स के अंदर एक और मोटी लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग्स द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर द प्रोटेक्शन, ये जो लेयर होती है जो जो सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ होती है, इस लेयर का काम होता है सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्लांट्स नीड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वेरिएशन इन द टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा, जो प्लांट्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है हर तरह के टेम्परेचर में रहने के लिए। जैसे हम ह्यूमंस हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं वो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, जैसे कि हम घरों में आ जाते हैं ठंडों में, अब गर्म जगह पर जाने की कोशिश करते हैं, गर्मियों में हम ठंडी जगह पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते, उनको वहीं पर रहना है, इसलिए उनको वेरिएशन अलग अलग तरह के टेम्परेचर्स को सहना पड़ता है। तेज हवाओं में भी उनको वहीं पे रहना है, वो अपनी जगह नहीं बदल सकते, तो उसको भी उनको जो है वो वहीं पे रह के हैंडल करना होता है, उनको भी जो है उनको सहना होता है। इसके अलावा बदलता हुआ मौसम भी उनको जो है वो सहना पड़ता है, तो इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए उनको जो है वो सेल वॉल की रिक्वायरमेंट होती है। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव, क्योंकि वो अपनी जगह से नहीं हिल सकते, इसलिए ये सारी वेरिएशंस उनको सहनी पड़ती हैं, इन सभी वेरिएशंस को उनको फेस करना पड़ता है। कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ द ट्रेडिसेंटिया, तो ये एक पत्ते का नाम है, इस पत्ते के अंदर सेल जो है वो आसानी से देख सकते हैं। इसकी हेल्प से हम जो है वो एक स्लाइड भी तैयार कर सकते हैं जो कि माइक्रोस्कोप में रखे हम आसानी से जो है वो उसके अंदर के सेल को देख सकते हैं। पहेली आस्क बूजो इफ ही आल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल्स, पहेली ने बूजो से पूछा कि क्या वो एनिमल सेल्स को भी देख सकते हैं। टेक अ क्लीन टूथपिक, हमें जो है वो एक टूथपिक लेनी है, साफ टूथपिक लेनी है, और अ मैच स्टिक विद द टिप ब्रोकन, स्क्रेप इन साइड यूर चिक्स विदाउट हर्टिंग इट, हमें जो है वो इसके अपने मुंह के अंदर घुमाना है, ये ध्यान रखना है कि वो हमारे मुंह में ना लगे। प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द ग्लास स्लाइड, इसको भी फिर जो हमने ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है एक पानी की बूंद के ऊपर। एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट, इसमें जो है फिर हमें एक आयोडीन की बूंद डालनी है और फिर इसको पे कवर स्लिप लगा देनी है, मतलब कि इसके ऊपर एक और ग्लास स्लाइड रख के इसको जो है माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, यू मे नोटिस सेवरल सेल इन द स्क्रैप्ड मटेरियल, इसके उसके अंदर जो भी हमारा उस पर थूक वगैरह लगा होगा उसके अंदर हमें जो है वो काफ़ी सारे सेल्स नजर आएंगे। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, आप उसमें भी जो है वो सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जो है वो आसानी से आइडेंटिफाइड कर सकते हो। और सेल वॉल इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स, जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है क्योंकि वो
बार बार मूव करते रहते हैं। ये हमारे ह्यूमंस चिक सेल्स का जो है वो ऐसी पिक्चर दिखाई देती है अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। इसमें भी क्या क्या चीज़ें हैं, ये जो मोटे वाला पार्ट है, ये जो राउंड शेप है, ये हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा। इसके अंदर जो ये लिक्विड प्रेजेंट है, यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और ये जो बाहर वाली आउटर लेयर हो जाएगी, ये जो लेयर है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, और ये वाली लेयर, ये ब्लैक वाली डार्क लेयर जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अलग करती है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अलग अलग करती है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अलग अलग करने वाली लेयर को हम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म और हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये पार्ट्स हैं हमारे चिक सेल्स के। ये आपको डायग्राम आता होता है, डायग्राम में आपको आइडेंटिफाइड करना होता है कि कौन सा पार्ट कौन सा है। तो ये राउंड वाला जो पार्ट है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके बीच में जो लिक्विड लाइक सब्सटेंस है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, बाहर वाली आउटर लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, और जो लेयर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया जो कि सबसे बाहर वाला पार्ट था किसी सेल का, सेल वॉल के बाद उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। वेरियस अदर कॉम्पोनेंट्स और द ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इसके अलावा जो भी ऑर्गेनेली न्यूक्लियर सेल के अंदर होनी चाहिए वो सारी की सारी ऑर्गेनेलिस इसी में प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारा मिटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी होगी, राइबोसोम्स हो गए, ये सारे ऑर्गेनेलिस जो हैं ये हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ये वहीं पे तैरते रहते हैं। हाँ, जो मोस्टली सेल्स होते हैं उनके अंदर ये सभी बॉडी चीज़ें प्रेजेंट होते हैं। मिटोकॉन्ड्रिया हमारे किसी भी सेल के पावर हाउस को बोला जाता है। मिटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो सारी एनर्जी कौन बनाता है, वो सारी एनर्जी मिटोकॉन्ड्रिया बनाता है, इसलिए मिटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको है पूछा जाता है कि किस ऑर्गेनली को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, तो उसको मिटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि हर सेल को वेरियस एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी एनर्जी जो है वो मिटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से ही सेल को मिलती है। नेक्स्ट है हमारी गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होती है वो एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बॉडी से बाहर निकलते टाइम थोड़ी एक अलग शेप बना लेते हैं, उसको जो है हम गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ये 10th क्लास में आप जाके अच्छे से पढ़ोगे। राइबोसोम्स जो होते हैं उनका काम होता है प्रोटीन बनाना। हमारी बॉडी में जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो सारा का सारा प्रोटीन राइबोसोम्स ही बनाते हैं। यू विल लर्न अबाउट देम इन द लेटर क्लासेस। इनके बारे में डिटेल में आप जो है बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ोगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस। तो सेल का नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस। हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या था, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद हमारा न्यूक्लियस होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। ये किसी भी लिविंग सेल के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये मोस्टली जो है वो गोल शेप में होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, और ये जो है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इट कैन बी स्ट्रेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसको जो है हम आसानी से माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन कोल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है वो हमारे साइटोप्लाज्म से एक लेयर के द्वारा जो है वो सेपरेटेड होता है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो मैंने आपको दिखाई भी थी चिक सेल में, जो लेयर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अलग करते हैं उस लेयर को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस और हमारे साइटोप्लाज्म को अलग अलग करती है। दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटीरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन पोरस होती है, वैसे ही हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी छोटे छोटे छेद होते हैं, ये भी पोरस होती है, और ये भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की मूवमेंट को अलाउ करते हैं कि कौन सी चीज़ न्यूक्लियस के अंदर जाएगी और कौन सी चीज़ न्यूक्लियस से बाहर निकलेगी। विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी ए स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। इट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोलस।
अगर हम एक हमारे पास अगर हाई पावर वाली माइक्रोस्कोप है, अगर हम उसको उसके अंदर हमारे सेल को देखते हैं, न्यूक्लियस को देखते हैं, तो हमें जो है वो न्यूक्लियस के अंदर और भी छोटे छोटे जो है वो पार्ट्स नज़र आते हैं, छोटे छोटे स्फेरिकल बॉडीज नज़र आती हैं। इन छोटी छोटी बॉडीज़ को हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के पार्ट, न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमोसोम्स। इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो हमारे एक हमारा जेनेटिक मटेरियल्स होता है, हमारे जीन्स जो है वो इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन द इनहेरिटेंस और द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे जीन्स होते हैं, इसीलिए क्रोमोसोम्स को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ये हमारे जीन्स को कैरी करता है, जिसके कारण ये हमारे करेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों में लेके जाता है। बच्चों में जितने भी पेरेंट्स के करैक्टरिस्टिक्स आते हैं वो सारे के सारे जीन्स की मदद से आते हैं, और जीन्स को कैरी करके कौन रखते हैं, जीन्स को कैरी करके हमारे क्रोमोसोम्स पर रखते हैं। द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली वैन द सेल डिवाइड्स। द क्रोमोसोम्स है उनको हम सिर्फ तभी देख सकते हैं जब हमारा सेल जो है वो डिवीजन में जाता है। डिवीजन का मतलब जब सेल टूटना शुरू करता है, उसी टाइम जो है हम क्रोमोसोम्स को देख पाते हैं। यहाँ पे जीन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इनहेरिटेंस की यूनिट है। इनहेरिटेंस यूनिट मतलब कि अनुवांशिकता को आगे लेके जाती है, मतलब कि करैक्टर्स को कैरी करती है, एक जनरेशन से दूसरे करैक्टर में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करैक्टर्स को लेके जाने का काम जो होता है वो जीन्स का ही होता है। इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी करैक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ये जो है वो हेरिडिटी करैक्टर्स को पेरेंट्स से लेके बच्चों तक लेके जाती है। दिस मीन्स डैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर करैक्टर्स ऑन टू यू। इसका मतलब ये कि हमारे पेरेंट्स हमें अपनी कुछ आदतें देती हैं, हमारे अंदर अपने पेरेंट्स की कुछ ना कुछ आदतें आती ही आती हैं। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे आल्सो हैव ब्राउन आइज। अगर हमारे पापा की आइज़ जो है वो ब्राउन है, तो हो सकता है कि हमारी आंखें भी ब्राउन हो। इफ़ योर मदर हैव कर्ली एयर्स यू माइट आल्सो एंड अप हैविंग अ कर्ली एयर्स। अगर अपनी आपकी माता के जो मम्मा के जो हेयर्स हैं वो कर्ली हैं, तो हो सकता है कि आपके हेयर्स भी जो है वो कर्ली हो। हाउ एवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स फ्रॉम द पेरेंट्स रिजल्ट इन द डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल हूबहू जो है वो अपने मम्मी पापा जैसे ही होंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो है वो ऑफस्प्रिंग दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। फादर के जीन्स और मदर के जीन्स कंबाइन होके आते हैं, जिसके कारण जो है उनके कॉम्बिनेशन के कारण बहुत सारे जो है वो हमारे करैक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं। लेकिन कुछ करैक्टरिस्टिक्स मिलते भी हैं, उनके मिलने का कारण ये है कि कुछ करैक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट कर जाते हैं, और जो डोमिनेंट करता है वो हमारे अंदर दिखाई देना शुरू हो जाता है। डोमिनेंट का मतलब होता है कि जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जीन होगा, वो अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अगर पापा का जीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो हो सकता है कि हमारी आदतें पापा जैसी ज़्यादा हो जाएं। अगर मम्मा का जीन्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तो हो सकता है कि हमारी आदतें फिर मम्मा जैसी हो जाएं। तो जीन्स जो है वो एक यूनिट है जो कि हमारे करैक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैरी आउट करता है। न्यूक्लियस इन एडिशन टू दिस रोल इनहेरिटेंस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इनहेरिटेंस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेके जाने के अलावा जो सेल की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कंट्रोल करता है। जितनी भी सेल्स ने एक्टिविटीज़ करनी होती है वो सारी कंट्रोल की जाती है न्यूक्लियस के द्वारा। इसलिए न्यूक्लियस को किसी भी सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। जैसे कि ब्रेन हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसी तरह जो न्यूक्लियस होता है वो सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसीलिए न्यूक्लियस को हम सेल ऑफ द सॉरी न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। जो सेल लिविंग सेल के अंदर जितना भी चीज प्रेजेंट होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इसके अंदर जो है वो हमारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों आ जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सब्सटेंस। प्रोटोप्लाज्म को हम किसी भी लिविंग सब्सटेंस का जो है वो लिविंग सब्सटेंस बोलते हैं सेल का।
पहली वांट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज सेम इन द सेल्स ऑफ द प्लांट एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। अब पहली ये जानना चाहती है कि जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है क्या वो सभी में सेम होता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, बैक्टीरियाज में, जो कुछ भी लिविंग थिंग्स है क्या सब में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर सेम होता है। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक द सेल ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो बैक्टीरिया सेल का न्यूक्लियस होता है, जो बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता जैसे कि हमारे अंदर होता है। हम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया वाले सेल्स होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस इतना अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है। देर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके अंदर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती जैसे कि हमारे चिक सेल में हमने देखा कि वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, लेकिन जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनके अंदर कोई भी जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। द सेल्स हैविंग द न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसे सेल्स जिनमें जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है उनको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, मतलब कि जिनका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता उनको हम प्रोकैरियोटिक्स बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड द प्रोकैरियोट्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। द सेल्स लाइक द अनियन सेल, चिक सेल्स हैविंग द वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिग्नेटेड एज द न्यूक्लियर एज द यूकैरियोटिक सेल्स। ऐसे सेल्स जिनके अंदर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, जैसे कि हम उसमें हमारे आ जाएंगे ऑल द ऑर्गेनिज्म अदर देन द बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे जो है वो यूकैरियोटिक्स के अंदर आते हैं। फिर तो दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक्स और सेल्स वो होते हैं जिनमें जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, और यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। व्हाइल ऑब्जर्विंग द अनियन सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक्स लुकिंग स्पेस इन द साइटोप्लाज्म। जब हम अनियन पील्स को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमें जो है वो एक खाली जगह नज़र आती है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसी जगह होती है जो खाली होती है, कुछ लिक्विड, साइटोप्लाज्म एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस है, लेकिन उसके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ खाली खाली जगह दिखाई देती है हमें उसको, उस खाली जगह को हम वैक्यूल्स बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड द वैक्यूल्स। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज एन अनियन सेल। ये जो है वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। चिक सेल्स हैव द स्मॉलर वैक्यूल्स। जो हमारे चिक सेल्स होते हैं उसमें वैक्यूल्स छोटे होते हैं। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स, वैक्यूल्स इन द एनिमल्स आर मच स्मॉलर इन साइज। जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन जो हमारे ह्यूमंस होते हैं या फिर एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो वैक्यूल्स का साइज़ छोटा होता है। वैक्यूल्स एक खाली जगह है जिसमें कुछ भी नहीं होता, ये जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के लिए रखी जाती है कि वेस्ट प्रोडक्ट उसके अंदर स्टोर होता रहे। तो प्लांट्स में वैक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन एनिमल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं। यू माइट हैव नोटिस सेवरल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ द ट्रांसिएंटिया लीव। They are scattered in the cytoplasm of the leaf cells. These are called the प्लास्टिड। इसके अलावा जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं उनमें प्लास्टिड्स भी होते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, प्लांट्स के या फिर फ्लावर्स के अलग अलग कलर्स जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट प्लास्टिड्स के कारण ही होते हैं। ये प्लास्टिड्स भी सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में जो है वो प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि एनिमल्स के जो है वो अलग अलग कलर्स पॉसिबल नहीं है जैसे कि प्लांट्स के अलग अलग कलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट्स सेल में प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट्स को डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं। दे आर ऑफ द डिफरेंट कलर, सम ऑफ द कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफॉर्म्स। वो प्लास्टिड्स जिनका कलर ग्रीन होता है उनको हम क्लोरोफॉर्म्स बोलते हैं, क्लोरोफाइल्स बोलते हैं। तो क्लोरोफाइल भी जो है वो एक तरह का प्लास्टिड ही है, लेकिन उसका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए उसको हम क्लोरोफाइल बोलते हैं। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर के हमारे प्लास्टिड्स होंगे उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे प्रोवाइड द ग्रीन कलर टू द लीव। यू मे रिकॉल दैट द क्लोरोफाइल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव इज असेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। और यही क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोफाइल जो है, ये
फोटोसिंथेसिस में फूड बनाने के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इसके बिना जो है वो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना सकते, इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रीन कलर के प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफाइल या फिर क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया जो कि है कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।